महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पंडा पुजारी के अलावा किसी भी शख्स को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वीवीआईपी और सत्ता में बैठे मंत्रियों और उनके परिजन नियम को ताक पर रखकर गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे पत्नी और दो दोस्तों के साथ मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। उन्होंने शिवलिंग के पास बैठकर पूजा अर्चना की। वीडियो और फोटो वायरल हुआ तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद कलेक्टर ने दर्शन प्रभारी विनोद चौकसे को निलंबित कर दिया। संज्ञान में आया था कि कुछ बिना अनुमति के कुछ अति विशिष्ट लोगों का महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश हुआ। इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, 1 को हटा दिया गया और 4 को नोटिस जारी किया गया। अब वो एक दर्शन प्रभारी हैं और 4 नंदी हॉल और गर्भगृह और वहाँ जो पदस्थ है उन अधिकारियों पर ये कार्रवाई की। आगे ये इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर मंदिर परमसिपति विचार कर रही है कि इस तरीके की पुनरावृत्ति द्वारा ना हो और बड़े कड़े एक्शन लिए जाएंगे, इस प्रकार से कोई अगर दोषी पाया जाए। बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में तय पुजारी पुरोहितों को प्रवेश दिया जाता है, इनके अलावा अन्य किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। गर्भगृह में रोक 4 जुलाई 2023 को सावन के महीने में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट को भी समिति ने शिवलिंग का शरण रोकने के लिए गर्भगृह में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद से गर्भगृह में पुजारी को ही प्रवेश करना अलाउड है। फिलहाल कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर 5 कर्मचारी को इसमें दोषी माना गया है। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गर्भगृह निरीक्षक को पद से हटा दिया और 4 कर्मचारियों से जवाब तलब किया गया है और उन्हें 24 घंटे का समय देकर उनसे इस मामले का स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में अभी सवाल कई है, जैसे सांसद श्रीकांत शिंदे को मंदिर के गर्भगृह में जाने की परमिशन किसने दी और किसके आदेश से नियमों को तोड़कर अंदर तक उन्हें ले जाया गया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।